इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। भोजपुरी गायक और कलाकार दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बातचीत में कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जब वे अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं तो अब कोई भी हो वो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव गलती से मुख्यमंत्री बन गए, उसी घमंड में आज भी हैं। यही बातें निरहुआ ने कही। मारा है और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता। उधर यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे हटाए गए हैं। सरिता तिवारी को अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कार्यभार मिला है। 12वीं का इंग्लिश का पेपर आउट होने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज थे। अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी को अग्रिम आदेशों तक अब चार्ज मिला है। विनय कुमार पांडे निदेशक साक्षरता वैकल्पिक की जिम्मेदारी संभालेंगे। यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे पर ये गाज गिरी है। यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के हटाए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कुछ भी बोलने से कतराती रही। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने उनसे बार बार शिक्षा निदेशक के बदले जाने पर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शासन ने आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे को हटा दिया है। पेपर लीक होने के बाद से ही उनके ऊपर कहीं ना कहीं नाराजगी थी मुख्यमंत्री की। हमारे साथ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मंत्री जी, आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हटाया गया, विनय पांडे जी को बदला गया, क्या माने यूपी बोर्ड पेपर लीक के बाद से नाराजगी थी? ये जो बदलाव है मैम, क्या इसी के लिए कि पारदर्शिता बनी रहे, आगे परीक्षाएं जो हैं वो अच्छे से होती रहे? परीक्षाएं अच्छी प्रकार से हों इसके लिए हम जो हैं वचनबद्ध भी हैं और उसमें कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में निदेशक को भी बदला गया माने? तो इसी कड़ी में माने मैम, क्या और कोई भी बदलाव हो? तो ये थी माध्यमिक शिक्षा निदेशक गुलाब देवी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो, शुचितापूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि निदेशक को हटाने के मामले पर उन्होंने कुछ भी बोलने से वो साफ तौर पर बचती नजर आई। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।